सो फ्रेंड्स देखिए, बिना मिट्टी के बर्तन में जमाए इसमें भी इतनी बेहतरीन दही जम गई है, लाल दही, मिष्टी दही। आप चलते हैं, निकालते हैं इसे। ये देखिए इतनी बेहतरीन जम गई है, पानी बिल्कुल नहीं है और बहुत ही हेल्दी ही है और टेस्टी भी है। से फ्रेंड्स ज़रूर से कमेंट्स करके बताएं आपको मेरा ये लाल दही कैसा लगा, और ज़रूर से ट्राई करें घर में और बी हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। और लाल मिष्टी दही से अगर आप व्रत में खाना है तो आप पार्ले जी मत मिलाइएगा, आप ऐसे ही दूध को थोड़ा सा और पकाना रहेगा। जैसे हमने 5 मिनट पकाया, आपको वहाँ 20 मिनट पकाना पड़ेगा, 20 से 30 मिनट, ताकि दूध आधा हो जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से लाल दही हमारा तैयार है, कैसा लगा ज़रूर से कमेंट्स करके बताइए, और लाइक भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिष्टी लाल दही के बारे में बताऊंगी। ये 1 कप हम चीनी डाल दिया, कढ़ाई गर्म हो चुका है और ये 1/2 लीटर तक हमने दूध रख लिया फ्रेंड्स, और एक ये पार्ले जी हम डालेंगे, और ये एक एक्लेयर टॉफी। तो चीनी पे हम थोड़ा सा चला देते हैं, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। चलाने के बाद इसी में हम एक्लेयर्स एक टॉफी डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे बराबर से। आप इसके जगह मिश्री भी डाल सकते हैं या गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चीनी डाल रहे हैं, इससे थोड़ा कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट में भी बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि दही में जो है प्रोबायोटिक जो होता है वो नष्ट नहीं होने पाता। अगर हम नमक डाल के दही खाते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया यानी कि जो प्रोबायोटिक होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। इसीलिए हमें कभी भी दही खाना है या तो मिश्री से खाइए या चीनी से खाइए या फिर गुड़ से या भूरा जैगरी पाउडर। तो इसे हम थोड़ा सा टिघला लेंगे, उसके बाद हम अब जो एक पैकेट बिस्किट है ये गरम दूध है, फुल क्रीम मिल्क है, और इसी में हम करीब 10 पीसेस हैं इसमें, ये एक पैकेट में 10 पीसेस हैं, इसे मैं डाल देती हूँ। ये देखिए 5 पीस है, फिर 5 पीस हम डाल देते हैं। अब ये इसी में घुल जाएगा, इसे बहुत अच्छे से चला लेना है, और जब से ये लाल हो रहा है इसे हम लाल होने देंगे। थोड़ा 2 मिनट तक इसे हल्का सा लाल करना रहेगा। सो फ्रेंड्स तिगलने को आया है, इसे थोड़ी देर तिगलेंगे जब तक कि इसमें रेडनेस ना आ जाए और ये टॉफी घुल ना जाए। एक्लेयर्स जो टॉफी है ये भी घुल जाए, उसके बाद ही इसे, और इसे अच्छे से फेंट लेंगे जो हमने पार्ले जी डाला है। अगर आप व्रत में खाएंगे, फास्टिंग में खाएंगे, तो पार्ले जी भले ना डालिए, तो बिल्कुल क्रीम मिल्क रख के, अगर आपके पास क्रीम हो तो क्रीम मिला सकते हैं अलग से, जैसे दूध का मलाई निकला रहता है उसे भी आप फेंट के डाल सकते हैं। और इसे हम दही रख लिया है जमाने के लिए, ये पानी अलग दही अलग नहीं होना चाहिए, इसमें पानी हल्का है, ज़्यादा नहीं है, इसे खूब अच्छे से फेंट लेंगे, इसी में ही हम दही जमाएंगे। अगर आपके पास मटकी हो, तो मटकी में भी आप जमा सकते हैं, और हम इसी में जमाएंगे, इसमें भी जम जाएगा, बट मटकी में बहुत अच्छा जमता है और देखने में भी अच्छा लगता है, पानी पूरा सोख लेता है। देखिए रेडनेस हो चुका है, अब इसमें हम इसे धीरे 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 डाल देंगे, पूरा डाल के और धीरे से चलाते रहेंगे। थोड़ी देर और पकाना है, देखिए इसमें का चीनी का जो है बहुत अच्छा बनेगा, इसमें पूरा घुल जाएगा। बस अब ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये पका हुआ दूध है, पहले से ही हमने 1/2 लीटर पका हुआ दूध ले लिया था। बस अब इसे थोड़ा देर पका के 1 से 2 मिनट, 1 मिनट तक और पका के फिर इसे ठंडा करके
तभी हम जमाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी होगा और टेस्ट में तो मैं क्या बताऊँ, जब आप खाएंगे तभी पता चलेगा। लाल दोई, मिष्टी दोई, ये कोलकाता का फेमस दही है। कोलकाता में तो ऐसे ही दही बना लेते हैं। गाय का जो दूध होता है एकदम गाढ़ा दूध होता है, देसी गाय का दूध। और यहाँ तो हम लोग अमूल का पैकेट में ही ज़्यादातर बनाते हैं। बस थोड़ा सा बलक आ जाए इसे बंद कर देंगे। हल्का सा देखिए बलक आ चुका है, बस एक बलक आ जाए तो हम इसे बंद कर देंगे। फिर ठंडा करके इसे करीब 10 मिनट के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए नॉर्मल, हल्का सा उंगली डालें, देखिए पक चुका है, गैस ऑफ कर दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद जब हम उंगली डाल के देखेंगे कि हाँ सहज आ रहा है तभी हम इसे जमा देंगे इसमें। तो 10 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं जो ये दही रखी हूँ फैट के, इसे मैं मिला दूंगी अच्छे से, और मिलाने के बाद फिर इसी को ही मैं जमा दूंगी। देखिए हल्का गुनगुना है, ये उंगली सहज आ रहा है। करीब 5 मिनट हो चुका है, जब इसे अच्छे से मिला लूंगी इसी में मिला करके फिर इसे मैं जमा दूंगी। अब नीचे हम पानी रख दिए थे, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी होगा ये। टेस्ट के तो मैं क्या बताऊँ आपको, करीब 5 से 6 घंटे बाद, यानी 5 घंटे के बाद भी हो जाएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है, जून का मौसम है। और जब ठंडा हो जाए, जब जम जाए तो इसे आप फ्रीज कर दीजिए करीब से 2 से 3 घंटे में। फिर आपको आइसक्रीम जैसा आप इसे मजा लीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होगा। सो फ्रेंड्स, इसको जमने के लिए कम से कम 5 घंटे का समय लगेगा, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं।